हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल इग्नो पॉइंट में। लास्ट वीडियो में हमने BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का ग्रेस पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फिर से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ अ अंडर प्रिविलेज्ड। तो आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देनी है जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन बच्चों के बारे में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट आउट ऑफ 200 मिलियन स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इन इंडिया, अराउंड 59 मिलियन डू नॉट अटेंड स्कूल। आउट ऑफ रेस्ट हु आर करंटली इन स्कूल, 4 out of every 10 children's beginning to attend school will drop out before completing their primary school education. In addition, various studies of learning achievement of children indicate that the situation is actually grim. Recent community-based survey done in 28 states and 8 rural districts in the country find that not more than 30% of school children in the age group 6 to 14 in an educationally advanced states like Maharashtra can read simple text fluently or do basic arithmetic sums. So we see that still a lot need to be done for the underprivileged children of India. A brief look at a history of education of the underprivileged all over the world will reveal 3 clearly marked stages: isolation, assimilation and integration. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो 200 मिलियन में से जो कि 6 टू 14 ईयर्स के अंडर एज ग्रुप में आते हैं, उनमें से 59 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और अटेंड नहीं कर पाते हैं। रेस्ट ऑफ हु आर करंटली इन स्कूल, 4 out of every 10 चिल्ड्रंस बिगनिंग टू अटेंड स्कूल विल ड्रॉप आउट। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि 10 में से कुछ ऐसे ही 4 बच्चे होते होंगे कि वो अपना स्कूल छोड़ छाड़ के और विदाउट अटेंड किए हुए स्कूल नहीं जाते हैं और अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ उनके पेरेंट्स बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से होते हैं और उनकी सबसे पहली नीड होती है कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करें, तो वो काम पे लग जाते हैं और स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसके कारण वो अच्छी एजुकेशन को नहीं ले पाते हैं, गेन नहीं कर पाते हैं। देखते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है। आइसोलेशन, इनिशियली अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज children's were outside the network of education, having no access to educational facilities. With the realization of social responsibilities, various efforts were being made to provide them with education. But as in some countries like America, separate schools were created for the colored population. Similarly, in India, separate schools were with a separate simplified curriculum were open for the tribal population. Although government schools do not discriminate between class and caste in their policies, the attitude and basic of teachers and administrations prevent them from accepting the lower caste children who are often made to sit separately away from the rest of children. It was commonly believed
that these children do not be able to handle the general curriculum, and a special curriculum was prepared for them. The general believed that assignments from the underprivileged would result in failure made many educationists lower the bar of them. This create an isolation of other sort, and the education gap continue with widen. आपने जैसे कभी सुना होगा लाइक मूवीज़ भी देखी होगी या फिर कुछ हिस्ट्रीज पढ़ी होगी और उसमें जैसे कि बहुत जो बेसिक कास्ट के होते थे लाइक बहुत लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको एजुकेशन में प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको सेपरेट अलग से क्लास में, अगर बच्चे हैं 10 या 20 बच्चे हैं तो उनको एक अलग से क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था, उनको उतनी इक्वलिटी नहीं दी जाती थी कि वो एजुकेशन उनके बराबर पढ़ें, पढ़ाई करें, उनके साथ रहें. तो ऐसे कुछ तब रूल्स थे. नेक्स्ट देखते हैं एसिमिलेशन. द सेकेंड फेज ऑफ एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज इज मार्क बाय टेंडेंसी टू एसिमिलेट. अटेम्प्ट वेयर मेड टू एजुकेट द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स अलॉन्ग विद द प्रिविलेज लर्नर इन द सेम स्कूल, बट कास्टिज्म एंड क्लास कॉन्शियसनेस केम इन द वे एंड इट वॉज द कास्ट ऑफ आइसोलेशन. Assimilation as learner of lower caste sat in the same class but on separate benches on were relegated to the last benches were thus these seldoms received the teacher's attention. Hence, since the schools and the system of education was based on the dominant and advantaged groups, the aim was to assimilate the underprivileged into the privileged culture. This attempt is still on the according of the right of education. It is mandatory for elite private schools meant for the privileged sections of society to keep 25% of seats for the underprivileged, and also to look after their education monetary. How such of this generally happens is a matter of concern. तो एजुकेशन की हिस्ट्री में आप देखा जाए तो जो फेज़ ऑफ एजुकेशन था, सेकेंड फेज़ ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी देने लग गए. जो लोअर लेवल के बच्चे थे वो जनरल लेवल के बच्चों के साथ एक ही सेम क्लास में पढ़ने की उनको परमिशन दी गई थी, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा भेदभाव रखा जाता था उनसे. या तो वो साथ में नहीं बैठते थे तो उनको लास्ट बेंच दी जाती थी क्लास में, टीचर्स की इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी, और ऐसे कुछ कुछ कल्चर होते थे तो भी उनको अब्यूज़ किया जाता था. बट फिर भी ऐसे धीरे धीरे फेस करते करते उनका थोड़ा कल्चर फिर चेंज हुआ. देन राइट ऑफ एजुकेशन का लॉ आया जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में मैंडेटरी किया गया कि जो लो सोसाइटी के और कास्ट से के बच्चे हैं उनको 25% की सीट रिजर्व की जाए फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस के लिए. ओके, आरटीआई का जो भी सीट वाला है ये आप एक बार टैली कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों और ये वीडियो देख रहे हों, क्योंकि शायद आरटीआई की कुछ सीट चेंज हुई है, सीट का रेशियो चेंज हुआ है लास्ट ईयर. सो प्लीज़ गो थ्रू, क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं है इसमें. इंटीग्रेशन. इन द थर्ड फेज ऑफ इंटीग्रेशन अटेम्प्ट्स वर फर्स्ट मेड टू एजुकेट द अंडर प्रिविलेज इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर सो
that they would develop a positive attitude to their own culture and language. Depending on these approaches of stage, mainly three theories have been put forth to explain the poor achievement of the unreached learner. These varied from innate or heredity qualities to the culture deprivations in the environment of to the deficiency in the situation schools itself. Although these three stages have been historically noted, there have been intense where all the three coexisted at the same time in some states. Some interventions. It has been noticed universally that the system of education is targeted at the privileged in society and the curricular content, both in its selection. The nature mirror the life of the privileged. The textbooks appeared aligned to the underprivileged learners as they did not find any resemblance to their lives and their culture in the textbook. In addition, the method of teaching too were developed on certain assumptions of pre-knowledge which lead to a gap in understanding for the underprivileged. Similarly, the teachers suffer from biases and an unfriendly attitude towards these learners, which either led to the neglect of these learners or a simplification of the content and assignments making and receptions and boring. As early as the 16th, the Kothari Commission 1964 and 66 articulated the ideas of a neighborhood schools as a common space where all children cutting cross caste, class and genders line learns together in the best inclusive manner. पहले हम इतना थोड़ा सा जितना पढ़ा है हम वो डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा नोटिस किया गया है यूनिवर्सली के सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि टारगेटेड किया गया है एजुकेटेड सोसाइटी को, जहाँ पे करिकुलम और सारी चीज़ों को देखते हुए और नीड्स ऑफ लाइफ को देखते हुए एजुकेशन जो एजुकेटेड है उन लर्नर्स के लिए क्या क्या नीड्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, एक अच्छा एनवायरनमेंट, जो भी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें एक प्रिविलेज सोसाइटी में बहुत ही नीडी है. एक वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, बट बहुत ही एसेंशियल है. इन एडिशन देखा जाए तो मैथड ऑफ टीचिंग में जो डेवलप सर्टन होते हैं अजप्शंस होते हैं वो प्री नॉलेज से होते हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं बिकॉज उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा नहीं होता है. तो उनके साथ उनको जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रिविलेज स्टूडेंट्स के साथ मैच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. और जैसे कि हिस्ट्री एजुकेशन हिस्ट्री में देखा जाए तो इक्वालिटी पे बहुत अनइक्वालिटी बहुत रही है, तो उनको बहुत सही चीज़ें फेस करनी पड़ी क्योंकि टीचर्स भी बहुत ही पार्शल रहते थे. अगर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होना आ रहे हैं पढ़ने में अच्छा है, यूनिफॉर्मलिटी होती थी उसमें, तो बहुत सही चीज़ें उनको सफ़र करनी पड़ती थी, लाइक अनफ्रेंडली नेचर टीचर से. और अगर टीचर ऐसा करता है तो बच्चे तो फिर से जनरल क्लास में करते ही हैं, तो एक अनफ्रेंडली नेचर होता था, अनफ्रेंडली एटीट्यूड टूवर्ड्स देम. ठीक है, उनको नेगलेक्ट किया जाता था, उनकी जो भी लर्निंग स्किल्स थी जो भी थी वो उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती थी,
लाइक वो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन टीचर्स वगैरह उस टाइम पे बहुत नेगलेक्ट कर देते थे उनको, क्या कहेंगे, रुला रुला के वो चीज़ें देते थे, असाइनमेंट्स उनको देते नहीं थे, बहुत पार्शल रहे हैं उस टाइम पे। तो ये सही सिंप्लीफिकेशंस रही है। देन एज अर्ली जब 60s में थे, जब कोठारी कमीशन एक्ट आया, जिसमें कोठारी कमीशन्स ने बिल पास किया कि, और एक अपना स्टेटमेंट दिया जिसमें जो स्कूल है वो आपका नेबरहुड है, देन वहाँ पे वो एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे हर बच्चा कास्ट, जेंडर, क्लास और किस कैटेगरी से आता है उसमें वो सब उसके लिए कॉमन है। वहाँ पे ये सारे रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स और जो भी बच्चा है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने आया है, वहाँ पे कास्ट, क्रीड और इसको डिफाइन करने नहीं। तो ये एक उस टाइम पे कोठारी कमीशन ने अपने बिल में पास किया था और आर्टिकुलेशन दिया था। दिस आइडिया हैज़ बीन आर्टिकुलेटेड इन द पार्ट प्रैक्टिकली ऑल पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स आफ्टर देयर आफ्टर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 एज वेल एज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। This concept has also been incorporated in the RTE Act 2009. Anshu Vaish, Secretary School Education and Literacy, in her speech at Sri Ram School, it has also been felt that the inclusions of underprivileged learner in school, either government or private, has not been implicated fully. Remaining are mere lip services in certain institutions. There is a clear demarcation between the schools for the privileged, privately run schools जो करते हैं, एंड दोज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट, एंड दीज केटर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेट्रा। द सेग्रीगेशन स्टार्ट्स एट एन अर्ली स्टेज इन स्कूल्स एंड मैनी प्राइवेट स्कूल्स फील्स reluctant to follow a policy of integrating children from the social economically weaker sections of the society with those from the better of strata. The education policies of the governments, like a universalization of elementary education, Sarva Shiksha Abhiyan, the Right of Education Act, and the policy of neighborhood schools are attempts to assimilate and integrate the underprivileged learner into the mainstream. In spite of these certain assumptions need to be revised and some interventions and require a realize these policy by opening of the Jawahar Navodaya Vidyalaya. The government of India has made quality education accessible to rural learner. तो जब कोठारी कमीशन एक्ट आया उसमें एक आइडिया ये था कि नेबरहुड में स्कूल्स होने चाहिए और एक कॉमन प्लेस होनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे जब एजुकेशन स्टार्ट हुआ सबको प्रायोरिटी देने लग गए, इक्वलिटी देने लग गए एजुकेशन में, और एजुकेशन के जब फेसेस चेंज होते गए तो वहाँ पे लड़के तो बाहर पढ़ने चले जा सकते थे लेकिन स्कूल्स बहुत दूर दूर हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स भी, प्राइवेट स्कूल्स भी, शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एक स्कूल हुआ करता था और गांव गांव
के हिसाब से भी चार गांव बन के एक स्कूल हुआ करता था, तो लोगों को बहुत दूर पड़ता था और लड़कियां खास तौर पे एक क्लास के बाद अगर वो पढ़ना चाहती थी तो एक क्लास के बाद उसको घर वाले बोल देते थे कि बस हो गई पढ़ाई, अब आप मत जाओ, बिकॉज स्कूल्स दूर होते थे। बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता था। तो कोठारी कमीशन एक्ट के थ्रू जब नेबरहुड का आइडिया जब दिया गया और ये बात कही गई थी वहाँ पे बिल में, तो ये हुआ था कि स्कूल हो अगर बच्चा छोटा है तो उसको 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंडर में उसका स्कूल होना चाहिए, और अगर बच्चा बड़ा है लाइक उसका एजुकेशन स्टार्ट हुआ है 6 to 10 तक, तो उसका 10 किलोमीटर के एरिया तक स्कूल होना चाहिए, लेकिन पास होना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल गोइंग और स्कूल की एजुकेशन ले पाए। देन RTI भी 2009 में आया था और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो अंडर प्रिविलेज स्कूल के बच्चे हैं उनको 25 रिजर्वेशन सीट दी जाए प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान आया था, सब पढ़े सब बड़े वाला, एंड ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आई हैं। और जो रूरल एरिया के बच्चे होते थे उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ओपन्स हुए थे कि जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बाद में वहाँ पे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। तो अब देखते हैं इसका करिकुलम क्या था। द करिकुलम ऑफ द स्कूल्स लार्जली फोकसेस ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी ऑफ द मिडिल क्लास एंड वाइट कॉलर जॉब्स। स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर ब्लू कॉलर्ड जॉब्स आर नेगलेक्टेड एक्सेप्ट फॉर द सर्टन स्पेशल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। द टेक्स्ट बुक्स आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कल्चर ऑफ द प्रिविलेज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस टू द नेशंस बिल्डिंग इन द नेगलेक्टेड और इग्नोर्ड। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन आर डेंसली पैक्ड इन द टेक्स्ट बुक which seems suitable for highly motivated learners since the underprivileged learners find nothing to their lives, history and culture in the textbooks. They find these irrelevant to their experience and thereby the lose interest. As simplified curriculum for these learners is created based on these assumptions that the underprivileged learner would not be able to handle this. This further demoralizes them, and moreover they are not stimulated intellectually. A conscious attempt needs to be made to make the curriculum not only attractive but also challenging for the underprivileged learner. Some of the suggested interventions and listed below. Inclusion of the topic of interest or familiarity for the underprivileged learners. Reflection of the lives and culture on the underprivileged as equal contributor to societies. Removal on basis in favor of the privileged. Content should aim at fostering a positive attitude towards their lives and culture. Illustrations could include tribal art and style that represent their culture and lifestyles, stimulating but linguistically simple questions to help them develop their cognitive and analytic skills. Second, teaching methods. Studies in teaching methodology to the privileged and the underprivileged learner have revealed that the teachers offers differently instructions to the privileged and unprivileged. In a case of African American and Hispanic students in America, it was found that the novice readers were taught
differently from the advanced reader. The advanced readers receive more instructions in critical thinking, while instructions for the novice readers was restricted to the rote learning, drill and memorization. The impact of this was felt later in high schools when it was noticed that the underprivileged learner could do not problem where critical thinking was involved, and as they were not introduced it in their primary schools. It was also assumed by the teacher that the advanced readers receive more reinforcement from their parents, whereas the study proved that but sets of parents reinforce the learners of their words. Studies have also shown that the typical classrooms environments tend to and is intended to mirror an interactive milieu of the typical middle class homes, very different from the typical lower class home. Hence, the students find himself in an environment he does not fully understand, but it accepted to fit into. Thus, in a way, the education system is setting the progress of these learners and not teaching them to overcome the circumstances and strive for excellence. The assumptions remain that the underprivileged will not be able to compete with the privileged peers. If education has been empowering to the underprivileged learners, then the following interventions can be made. The learners can be given a choice of choosing subjects for writing and a book reading. Discussion and activities in the classroom could also focus on the topic that touch the lives of these students. They should be allowed to work on collaborative projects and allowed to make decisions about the choice of the topic matter on the group members. They should be encouraged to write about their own lives and experience, and these should be treated with respect in the classroom. Evaluation procedure. A way of overcoming the problems of dropout was the government policies and of non-detentions at the primary level. It was understood that the teacher would ensure that 80% of the students would master 80% of the content and skills so that no one is detained. But this was misunderstood as a pass-all policy, as a result of which learners who had not obtained even 10% of learning were promoted. On one hand, the teachers did not work with the learners to ensure learning, and on the other hand, the learners lost all motivations, comfortable in the thought that merely the basic required attendance would take them to next class. This only helps in widening the gap in knowledge, and as the learners reach the higher classes, they found it difficult to conceptualize or analyze, not having mastered a basic concept. आपने देखा होगा, टीचर पढ़ाती है क्लास में, तो जहाँ तक देखा जाए तो टीचर को भी उस सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत ही कम ज्ञान रहता है. या तो टीचर क्लास में बच्चों पर पढ़वा देती है और उसका टाइम ओवर हो जाता है और वो क्लास से चली जाती है, बट उस कंसेप्ट को क्लियरली डिफाइन नहीं करती हैं
और या देखा जाता है कि 6 to 8 क्लास तक तो आपको प्रमोशन मिल जाता है, और ऐसे ही क्लास में प्रमोशन देते गए, देते जाते हैं, बट उस बच्चे को कंसेप्ट माइंड में क्लियर नहीं रहता है। लाइक आप मैथमेटिक्स को देखो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है और आप प्रैक्टिस करते हो तभी तो आप मैथ्स को पास आउट कर पाते हो। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है और आपका सम क्लियर नहीं है, आपको मेथड्स नहीं आते हैं मैथ्स का सम सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस नहीं आते, तो आप उस मैथ्स के एग्ज़ाम में पास नहीं हो, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बाकी आपको टीचर अगर पास कर जाती है तो आप पास तो ऐसे हायर क्लास तक हो जाओगे, लाइक 12th तक हो जाओगे, बट आपको एक्चुअल बेसिक ऑफ मैथ्स ही नहीं आएगा। तो यही वाला पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है। दिस ओनली हेल्प इन सॉरी दे ऑल्सो वर डिफिशियंस इन द स्किल्स ऑफ टेकिंग द टेस्ट विच वर ओनली द पेपर पेंसिल काइंड एंड सबमिटिव इन नेचर। द फोकस हैज स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम पेपर पेंसिल टेस्ट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन दैट टेक्स इन टू अकाउंट द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड डिजर्व डाइवर्स कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर्स एंड प्रोसेस स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर फॉर एवेल्युएटिंग द लर्नर्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। अब करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, लाइक धीरे जैसे जैसे करिकुलम चेंज हो तो जाता है, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई है। अब स्कूल में आपने देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ने जाते तो अगर बच्चे पहले हमारा जो होता था हाफ ईयरली और टर्म्स वाले एग्ज़ाम्स होते थे, हमें एकदम ट्रेडिशनल बेसिस से पढ़ाया जाता था। लाइक आपको 6 महीने पढ़ाया, आप एग्ज़ाम हो गया, बट हमें अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती थी। और शायद देखा जाए तो हमारा एग्ज़ाम होने से पहले यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, वो भी 5 डेज। तो अब जिन बच अब चेंज ये हुआ है कि जिन बच्चों को अगर रिटन नहीं आता है और नहीं आता है और वो ओरल में एक्सपर्ट है, तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी दी जाती है। लाइक अगर उसका सोशल अच्छा है, सोशल कॉग्निटिव स्किल अच्छा है, सोशल स्किल अच्छा है, इमोशनल स्किल अच्छा है, फिज़िकल अच्छा है, तो उसको बहुत सारे ऐसे टास्क दिया जाता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में, कि उसको टीचर हर तरीके से एवेल्युएट कर सकता है, मतलब हर तरीके से उसको जांच करता है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, तब जाके वो उसको पास किया जाता है। अब पहले डायरेक्ट फेल भी कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपको हर सर्कमस्टांसेस पे और हर पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, हर एक्टिविटीज़ दी जाती है, तो और उनके गोल सेटिंग्स रहते हैं जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि बच्चा स्ट्रेस फ्री है और उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है आजकल। तो ये सारे सब सारे से पॉइंट्स है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ होप्ड दैट द अंडर प्रिविलेज लर्नर विल बी एनकरेज टू द पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिसेबल देयर स्ट्रेंथ्स इन सम ऑफ देम। टुडे द गैमट ऑफ एवेल्युएशन एक्टिविटीज वुड and compass content, life skills, cognitive, social and emotional learners own goal settings and self assessments. This will require a lot of teachers preparations, not only in evaluation procedures but also in removal in basis from the testing procedure. Since the evaluation is holistic, it would be essential to make the test relevant of the context of the learners. 40% of the evaluations would be conducted by the teacher with whom the learners have been working closely, hoping thereby then that the element of the bias and unfair evaluation would be eliminated. This is because the teacher himself or herself would be the evaluator and not
an outside agency. Okay. Who has no knowledge of needs, the problems of different learners? Although it is important to inspire the underprivileged learners to compete with the other and strive towards excellence, a few provisions like clear instructions, perhaps their own language, extra time during the initial stage of the test taking needs to be made. Test taking skills of these learners would have to be sharpened, and criteria of evaluation explains well to them so that they can focus appropriately when they take a test. If the teachers allow the learners to improve at their own pace and provided a lot of scaffolding in the place of simplifying or merely lowering the bar for them, and the underprivileged learner would be able to reduce the gap of achievements. One way of reducing stress and improving the performance of the underprivileged learners is to give collaborative tasks and projects wherein these learners get an opportunity to work with their peers and learn from them at the same time, feel comfortable under the common umbrella of the group. Education through the language and direct the underprivileged learner. Educationists agree that education in the early stage ought to be the learner's home language before introducing them to any other language. The three language formula to recommended the use of home language or the regional language in the primary stage. It is believed that it is easier to develop the skills of reading and writing in the learner's home language. Learners can transfer some of the skills to the other language, hence once they are fluent in their own language. In a country like India, where a cultural diversity is very wide, even the regional language may prove to be difficult to the underprivileged learners who is perhaps exposed to only the dialect of home and community. To some extent, this problem in the learning on the second language can be overcome by using the multilingual methods in the initial stage and then slowly weaning them away from their own language and using the second language, third language in the classroom. तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा एजुकेशन में रोल बताया गया है कि जो भी प्राइमरी विंग के बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले उनके होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए. बिकॉज़ ये इसलिए क्योंकि जब भी अगर एक चाहे वो अंडर प्रिविलेज बच्चा हो या प्रिविलेज बच्चा हो, इफ़ वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो उसे तो अपने घर मतलब हो जो उसको घर में पढ़ाया गया है या घर की जो लैंग्वेज है उसे उसी लैंग्वेज में बात करना आती है, उसी लैंग्वेज में उसकी अंडरस्टैंडिंग है. बट वो अब कहीं बाहर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही. अगर सपोज बच्चे को मराठी आती है और आप उसको इंग्लिश में बात कर रहे हो, उसने कभी हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, उसने कभी हिंदी और इंग्लिश सुना ही नहीं है, इवन मराठी उसको आती है, कुछ वर्ड्स वो अंडरस्टैंड कर भी ले, बट वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा. बिकॉज लैंग्वेज ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारी जनरल लाइफ हो या एजुकेशन लाइफ हो. इट इज़ अ लिंक टू अंडरस्टैंडिंग द लेवल of thinking and communicating. So language is a most important role everywhere. ठीक है, तो
यही है कि आप जब भी आपकी प्राइमरी टीच स्टेज ऑफ एजुकेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें दो लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है, जिसमें होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को रखा गया है। देन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, उसमें एक और लैंग्वेज इंक्लूड कर दिया जाता है, जो कि थर्ड लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, और बाकी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती ही है, जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ग्रैस्पिंग पावर हो पाए। इसलिए ये लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर प्रिपरेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, एज इन द टीचर हु वुड एक्यूट द सचेस मैथड और टेक अ process forward. However good the materials, its efficiency can be felt only in the hand of an efficient teacher. Most situations of the teaching and learning require improvisations on the spot, modification and drawing association across subject. This is true of a teaching learning situations for the underprivileged. The teacher needs to be sensitive to the needs of the learners, be innovative to draw reference, to make modifications, to make the topic or activity understandable and doable for the learners. The teacher's role in the making of the topic relevant to the learners in the classrooms is immense. The curriculum framework and textbooks writer only keep the general guidelines in the mind. Using the various methods of the convey the signal ideas, addressing the needs of the target groups or overcoming biases, making the topic interesting and relevant, developing the skills of reading and writing among the learners and experimental deficiency, removing biases of the material, if any, treating all the learners alike, are encouraging the underprivileged children to perform the best on the their capabilities. तो जो टीचिंग का एक रोल होता है, टीचर का एक रोल होता है, और फिर जब वो पढ़ाने जा रहा होता है, तो उसको टीचर्स को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। या तो वो अपने फर्स्ट उसको अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, जो भी वो पढ़ाने जा रहा हो, और जो भी पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड उसका टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, लेसन प्लान्स प्रिपेयर होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास उसके टूल्स या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स आने चाहिए टीचर्स को, कि वो सामने वाले बच्चे को, जो भी जिसको भी पढ़ा रहा हो, उसको समझ में आए और उसकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को एनहेंस और इम्प्रूव कर पाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और इसमें ये भी मतलब जो भी फ्रेमवर्क होता है ऐसे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स का, जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया से रहता है, उनका थोड़ा फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज़ जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा शिक्षा से वंचित होते हैं, उनका स्टार्ट होता है, और अगर आप उनको इनिशियल लेवल से पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको समझने में बहुत बहुत इश्यूज़ होते हैं, और आपको पढ़ाने में भी बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, इसलिए उनके बेसिक नीड्स के हिसाब से आपको उनको समझाने के लिए, या तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी ड्राइंग वे, या फिर गेम मेथड से, ड्राइंग मेथड से, बहुत सारे आपको ऐसे क्राइटेरियाज अपनाने पड़ेंगे जिससे उनकी लर्निंग इंटरेस्ट बढ़े और अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो अपना परफॉर्म दे पाए। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। अब आप अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये पॉइंट है। दिस इज द क्वेश्चन, नाउ स्टार्ट।
While it is true that the underprivileged learner come to the school with a limited experience and limited language skills, it is not appropriate to assume that they are not capable of improving the taking up a challenges. तो ये बात सच है, जो underprivileged learners होते हैं वो जब स्कूल्स में एंटर होते हैं तो उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल लर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो. ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज नहीं होती है कम्युनिकेशन करने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं. बट अगर उस बच्चे को ये नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है उस चीज़ को सीखने में. तो मैं ऐसा कह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी भी बच्चे को, अनएजुकेटेड बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं तो कुछ बच्चे अपने एनवायरनमेंट के थ्रू भी सीख लेते हैं और कुछ हेरिडिटी और जेनेटिकली भी सीखते हैं और सीखे सिखाए आते हैं. ये अ टीचर वुड नीड टू डेवलप एन एक्शन प्लान एंड डिवोट टाइम ऑन दीज लर्नर्स विदाउट गिविंग देम अ मैसेज. यू मे नॉट बी एबल टू हैंडल दिस. दे शुड एनकरेज देम टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड प्रोवाइड एज मच सपोर्ट एज पॉसिबल. Some of these measures a teacher can take a accelerate language learning or underprivileged learner are given below. Monitoring the learners. Allow them to feel a sprite of challenges while being aware of their strength and weakness. Encouragement and setting the goal high while provide both academic, social, emotional supports through one-to-one monitoring, cooperative works, and display the trust in the capabilities is a good strategy to adopt. The teacher can have many conferences with the learners and suggest way to improve their language skills to bridge the gap. The unreached children should be allowed to make their decisions on topics for study and project and writing tasks. तो आप उनको ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करने के लिए उनको एनकरेज कर सकते हो कि आप अपने लाइफ के कुछ कुछ गोल सेट करो कि हमें ये सीखना है. उनको एनकरेज करो, उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ. और उन इस पर आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग पावर क्या है, एंड जहाँ पे भी उनका ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर हर्डल्स आ रहे हैं आप उनको वहाँ पे कम्युनिकेट करो कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे उनको डिफरेंट वे से सजेस्ट करना है. उनको उन्हीं के थिंकिंग लेवल से उनको स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारे उनको खुद ही फील करवाना है. देन हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. Introducing to critical thinking skill. It is essential to the teachers to introduce the underprivileged learners to the critical thinking skills from an early stage. This will help them to become analytical and to be able to make a decision. Earlier we had discussed how these learners are more mature than those from comfortable homes. Asking them open-ended questions or allowing them to choose the topic of the books for projects and reading workshops would assure them that the teacher does not believe them the cognitive deficiency it complicated with support. Whenever the learner required, it would lead to a positive self-image. They can also be encouraged to explore their own background, which will help them to set parametric goal.
Selection of relevant topic. Topic for classroom discussion and writing task would have been sensitively selected to ensure that these fall within the experience of the underprivileged learner that one is teaching. If care is taken not to select a topic of the which the learners have no knowledge, the learners will never feel a sense of inadequacy. When the learners will be able to identify which the topic they would take interest and the task will be completed. If the focus is on their lives and their dreams, learner will move from a state of resignation to motivation and goal setting. Simply, some of the topic used to the book needs to be related to their life of these learners, keeping in view the culture diversity. If for the reading project the learners are allowed to exercise their choice on the kind of books they would like to read, the problem of involvement gap that was discussed in the earlier part of the unit will be bridged. Younger children may choose to read very simple books which may be meant for the children younger than them. They should be allowed.